पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में मंगलवार को गोरखपुर जोन की 6वीं अंतरजनपदीय तीरंदाजी महिला और पुरुष प्रतियोगिता 2018 का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक एन चौधरी ने किया। पुलिस महानिरीक्षक प्रतियोगिता के आयोजन सचिव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने स्वागत किया। तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक ने प्रतियोगी खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा किया। इस अवसर पर प्रतियोगी खिलाड़ियों के प्रशिक्षक और खिलाड़ी सहित विभाग के अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस महानिरीक्षक नीलाब्जा चौधरी ने कहा, टीटी महोदय द्वारा टीम प्रभारियों से परिचय प्राप्त करते हुए साथ ही साथ निर्णायक मंडल जो इस प्रतियोगिता में उपस्थित है, महोदय द्वारा उनसे भी परिचय प्राप्त करते हुए मैं गोरखपुर जोन की 6वीं अंतर जनपदीय आर्चरी तीरंदाजी पुलिस प्रतियोगिता वर्ष 2018 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। गोरखपुर जोन की अंतर्जनपदीय प्रतियोगिता में आए हुए सभी लोगों का उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइन साहब का भी बहुत स्वागत है। आजी साहब हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, शूटिंग में भी अभी आजी साहब ने अभी 3 दिन पहले बहुत अच्छा। देखिए आज जो है गोरखपुर जोन के 6वीं अंतर्जनपदीय आर्चरी अब्लिक तीरंदाजी प्रतियोगिता का यहाँ शुभारंभ किया गया है और ये इससे हम लोग के जोन के जो खिलाड़ी चयनित होंगे वो फिर अंतर जोनल इंटर जोनल और स्टेट लेवल पे खेलेंगे। और पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हमेशा खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है, जैसे इस बार आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी भारत के तीरंदाजों ने अच्छा परफॉर्म किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस विभाग से भी कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसे सामने आएगा और देश का नाम आगे ले जाएगा।